नमस्कार साथियों, आज मैं जो कोटेशंस लेके आया हूँ वो हैं समय पे, वक्त पे, टाइम पे। तो आओ मिलकर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कोट है वो है स्टीफन हॉकिंग का, हॉकिंग्स का, जीवन समय में कैद एक यात्रा है, कुछ पलों के अतिरिक्त जो स्वतंत्र होते हैं। अगला है अल्बर्ट आइंस्टीन का, मेरे जैसे व्यक्ति जो भौतिक शास्त्र में विश्वास करते हैं, भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य में अंतर जानते हैं, उन्हें ज्ञात है कि ये एक जिद्दी स्थायी भ्रम है। अगला है अल्बर्ट आइंस्टीन का, अब तक तीन आयामों में विकास की बजाय चार आयामों को भौतिक वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना ज़्यादा प्राकृतिक है। इसमें समय चौथा आयाम है। अगला है गोरख पांडे का, समय का पहिया चले रे साथी, समय का पहिया चले, फौलादी घोड़ों की गति से आग बर्फ में जले रे साथी, समय का पहिया चले, रात और दिन पल पल छिन आगे बढ़ता जाए, तोड़ पुराना नए सिरे से सब कुछ गढ़ता जाए। अगला है असंग घोष का, समय को अपना काम कर लेने दो, उसे अब हमारा भी इतिहास लिखना है। अगला है मधु मेहता जी का, जिस समय ने मंदाकिनी को, भागीरथी को गंगा में समाहित किया, चरेवेती की उपमा से जल को गंगा की उपाधि दी, उसी समय ने मनुष्य का आविष्कार किया है। मैं कैसे मान लूं तुमने समय का संक्षिप्त इतिहास लिखा है। अगला है अहमद मुश्ताक का, जे पानी खामोशी से बह रहा है, इसे देखें कि इसमें डूब जाएं। इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ यहीं पे, और बहुत ही जल्द किसी दूसरे विषय पे ऐसे ही कोटेशंस लाने वाला हूँ। सबसे चाहूँगा कि आप, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आपके अनुसार चीज़ें मिलती रहें, और लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।